Hello friends, you are welcome to our literary channel Academic Domain. Today I am going to talk about Nobel laureates from 1901 to 1911. The Nobel laureates who received Nobel Prize in Literature. So actually this is part 1, this video is part 1 based on the Nobel laureates. And in this video I am going to talk about the Nobel laureates or the Nobel Prize winners who have received Nobel Prize in Literature. So in this video I am going to cover from 1901 to 1911, because Nobel Prize was started in 1901. So it is given every year to the writers or to the that academicians who have great contribution that in their particular field. So in this video I have taken only the Nobel laureates from 1901 to 1911. So friends, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, सो दैट अदर्स विल बी बेनिफिटेड. सो वाइल टॉकिंग अबाउट नोबेल प्राइज, द नोबेल प्राइजेज आर अवार्डेड एनुअली बाई द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, द स्वीडिश अकेडमी, द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूटेड एंड द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी. सो ये नोबेल प्राइज़ जो है हर साल या एवरी ईयर दिया जाता है या अवार्ड किया जाता है. ये सब जो अकेडमीज़ हैं, लाइक रॉयल स्वीडिश अकेडमी है, अकेडमी ऑफ साइंसेज, द स्वीडिश अकेडमी, द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूटेड एंड द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी. तो ये कमिटीज़ जो है नोबेल प्राइज़ देती हैं डिफरेंट फील्ड में. तो कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज़, इसको देखते हैं. इट इज़ गिवन टू द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु मेक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन. तो नोबेल प्राइजेज जो है दीज फील्ड्स में दिया जाता है, लाइक केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, लिटरेचर में, पीस में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन. तो इन ये सारी फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है. सो दे वर इस्टेब्लिश्ड नोबेल प्राइजेज है, जो नोबेल प्राइज कब इस्टेब्लिश हुआ था, इस्टेब्लिश्ड बाई 1895 विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल अ स्वीडिश साइंटिस्ट, विच डिक्टेट्स दैट द अवार्ड्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाई द नोबेल फाउंडेशन. तो अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश या स्विट्जरलैंड का साइंटिस्ट था, उसकी एक विल थी, उसकी एक वसीयत थी जिसने जो 1895 में जिसने लिखा था कि नोबेल फाउंडेशन के ज़रिए ये अवार्ड दिया जाए. तो ये तभी से ये स्टार्ट हुआ है, यानी अल्फ्रेड नोबेल के विल की वजह से, उसके डिज़ायर की वजह से ये नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, जो 1901 से स्टार्ट हुआ. ईच रिसिपियंट आर लॉरेट रिसीव्स अ गोल्ड मेडल, अ डिप्लोमा एंड अ सम ऑफ मनी, विच इज डिसाइडेड एनुअली बाय द नोबेल फाउंडेशन. तो जो भी नोबेल लॉरेट्स होते हैं, जो भी रिसिपियंट होते हैं, उनको एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, एक डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट दी जाती है और एक अमाउंट दिया जाता है, जो हर साल एवरी ईयर जो नोबेल फाउंडेशन है उसके वो डिसाइड करती है कितना अमाउंट देना चाहिए. So in 2017 the amount of Nobel laureates was roughly $1 million. तो जो 2017 में जो Nobel Prize दिया गया है उसमें ये जो उसका amount था almost $1 million था. Now while talking about Nobel laureates in literature, तो यहाँ इस वीडियो में सिर्फ मैं जो है जिन लोगों ने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ रिसीव किया सिर्फ उन्हीं के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ. तो 1901 जो फर्स्ट टाइम जो नोबेल प्राइज़ मिला था, ये सुली प्रूडहोम को मिला था. वो एक फ्रेंच पोएट एंड एसेइस्ट था. ही वॉज बॉर्न इन 1839 एंड डाइड इन 1907. इन 1902 द नोबेल प्राइज़ वॉज गिवेन टू थियोडोर मॉमसेन. ही वॉज अ जर्मन क्लासिकल स्कॉलर, हिस्टोरियन, ज्यूरिस्ट, जर्नलिस्ट, पोलिटिशियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट. ही वॉज बॉर्न इन 1817 एंड डाइड इन 1903. इन 2003 द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर वॉज गिवेन टू जॉनसन. ही वॉज अ नॉर्वेजियन राइटर. He was born in 1832 and died in 1910.
In 1904, the Nobel Prize in Literature was given to Frederick Mistral. He was a French writer and lexicographer. He was born in 1830 and died in 1914. 1904 mein, there were two people who received Nobel Prize in Literature. So the second person to receive Nobel Prize in Literature in 1904 was Jose Echeguera. He was a Spanish civil engineer, mathematician, statesman, and one of the leading Spanish dramatists. He was born in 1832 and died in 1916. In 1905, the Nobel Prize in Literature was given to Henryk Sienkiewicz. He was a Polish journalist and novelist. He was born in 1846 and died in 1916. In 1906, the Nobel Prize in Literature was given to Giosuè Codazzi. He was an Italian poet, writer, literary critic, and teacher. He was born in 1835 and died in 1907. In 1907, the Nobel Prize in Literature was given to Joseph Rudyard Kipling. He was an English journalist, short story writer, poet, and novelist. He was born in 1865 and died in 1935. In 1908, the Nobel Prize in Literature was given to Rudolf Christoph Eucken. He was a German philosopher. He was born in 1846 and died in 1926. In 1909, the Nobel Prize in Literature was given to Selma Lagerlöf. She was a Swedish author and teacher. She was the first female writer to win the Nobel Prize in Literature. She was born in 1858 and died in 1940. In 1910, the Nobel Prize in Literature was given to Paul Heyse. He was a German translator, novelist, poet, short story writer, and playwright. He was born in 1830 and died in 1914. In 1911, the Nobel Prize for Literature was given to Maurice Maeterlinck. He was a Belgian playwright, poet, and essayist. He was born in 1862. And died in 1949. So friends, it was the list of Nobel laureates from 1901 to 1911 in literature. So aap meri video aise dekhte rahiye, ye first part hai, next part mein fir main jo list leke aaunga jo 1912 se jo log receive kiye hain, to aise hi aap dekhte rahiye. To main sabhi jo hai jo bhi Nobel laureates hain sab par video banaunga. Is video ko pura dekhne ke liye thank you so much.